विद्युत को देखकर तन्वी अपनी नजरें झुका लेती है। विद्युत धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है, जिससे घबरा कर तन्वी अपने कदम पीछे ले लेती है। मिस्टर विद्युत गुस्से में उस पर हाथ तो नहीं उठाएंगे ना, तन्वी मन ही मन ये सवाल करती है। इतने में विद्युत तन्वी के पास आकर उससे बिना कुछ कहे फिल्म सेट की तरफ चला जाता है। उसके जाने के बाद तन्वी चैन की सांस लेती है और फौरन उसके पीछे पीछे चल देती है। पूरी फिल्म सेट में अफरा तफरी का माहौल होता है। एक बार फिर अपनी गाड़ी में बैठकर विद्युत शॉट के लिए रेडी हो जाता है। तन्वी सबसे अलग भीड़ में जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं उसकी दूसरी तरफ यामिनी अपने स्पॉट पे खड़ी होती है और कुछ देर पहले की बातों को याद करके वो अब भी काफी एम्बेरस्ड फील कर रही होती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि पूरे फिल्म क्रू के सामने वो बस एक मजाक बनकर रह गई है। फिर भी वो गहरी सांस लेते हुए खुद को संभालती है। अचानक उसकी नजर क्राउड के बीच में खड़ी तन्वी पर पड़ती है। ये यहाँ क्या कर रही है, यामिनी अपने असिस्टेंट से पूछती है। वो विजिटिंग रिपोर्टर बनकर सेट पर आई है, उसके गले में मैंने एंट्री परमिट का कार्ड देखा था, यामिनी की असिस्टेंट उससे कहती है। यामिनी मुस्कुराते हुए अपने असिस्टेंट के कान में कुछ कहकर उसे कहीं भेज देती है। जैसे फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली होती है, स्टेज सुपरवाइजर तन्वी के पास आकर उससे कहता है, मिस तन्वी, मैं आपकी एजेंसी के चीफ एडिटर को काफी अच्छे से जानता हूँ। एक्चुअली आज हमारे कैमरामैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमें बहुत सारे एक्स्ट्रास की जरूरत है, क्या प्लीज हमारी मदद करेंगी? अगर स्टेज सुपरवाइजर और तन्वी के चीफ एडिटर काफी क्लोज है तो तन्वी चाहते हुए भी उन्हें मना नहीं कर सकती थी। फिर सुपरवाइजर तन्वी को लेकर शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहीं तन्वी को एक भारी वीडियो कैमरा देकर शूटिंग लोकेशन पर खड़ा कर दिया जाता है। इतने में प्रोडक्शन से अनाउंस होता है, सब लोग अपनी पोजीशन ले लें। फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है। तन्वी कैमरामैन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वीडियो कैमरे को यामिनी की तरफ फोकस करके रखती है। इतने भारी वीडियो कैमरा को उठाने में तन्वी को काफी दिक्कत हो रही होती है। जैसे ही फिल्म का शॉट खत्म होने वाला होता है, यामिनी अचानक से कहती है, सॉरी डायरेक्टर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शॉट वहीं पर कट हो जाता है और तन्वी अभी भी वीडियो कैमरा लिए उस जगह पर खड़ी हुई होती है। अपने हाथों में लगी चोट की वजह से तन्वी को शॉट के लिए कैमरा उठाने में काफी दिक्कत होने लगती है। अगर फिर से शॉट रीटेक हुआ तब तो तन्वी को, ये सोचते हुए तन्वी के समझ में सब कुछ आ जाता है। जहाँ फिल्म क्रू के पास कई सारे कैमरामैन है, ऐसे में कैमरा उठाने के लिए उसे क्यों बुलाया गया? जाने के बाद तन्वी को काफी खटकती है। उसे समझ आता है कि कैसे यामिनी के असिस्टेंट ने स्टेज सुपरवाइजर से बात करके उसे कैमरा पकड़वाया है। इसका मतलब ये कि ये सब मिस यामिनी ने मुझे परेशान करने के लिए किया है। पर ना चाहते हुए भी तन्वी अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसकी चीफ एडिटर वैसे भी उसे नौकरी से निकलवाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई खबर ऑफिस तक पहुंचानी ही होगी। अपनी पूरी ताकत लगाकर तन्वी कैमरे को पकड़कर वहीं खड़ी रहती है। सेकंड टेक के होते ही यामिनी फिर से बोल पड़ती है, डायरेक्टर क्या मेरा मेकअप ठीक है? शॉट फिर से रीटेक होता है। सॉरी एवरीवन, यामिनी फिर से अपने तीसरे खराब शॉट के लिए सबसे माफी मांगती है। इसी तरह एक के बाद एक कई रीटेक्स पे रीटेक्स किए जा रहे होते हैं। वही तन्वी की ताकत भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि किसी भी पल वो जमीन पे गिर पड़ेगी। विद्युत अपने कार में बैठकर बड़ी देर से सब देख रहा होता है। उसकी नजर सामने खड़ी तन्वी पर जाती है, जो अपने हाथों में कैमरा लेकर किसी सर्कस के जोकर की तरह इधर से उधर घूम रही होती है। उसके कंधे में लगी चोट से खून निकलकर उसकी शर्ट पर नजर आने लगता है। विद्युत जैसे ही तन्वी की शर्ट पर खून के निशान देखता है, वो अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आ जाता है। इतने में यामिनी फिर से एक और रीटेक कर देती है। तन्वी के कंधे का दर्द अब बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ फिल्म का शॉट फाइनल ही नहीं होता। इतने में तन्वी को किसी गाड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है। तन्वी पलट कर देखती है तो विद्युत अपने कार के बाहर खड़ा होता है। उसके आते ही क्रू में से किसी की हिलने तक की हिम्मत नहीं होती। यामिनी के पास आकर विद्युत उससे चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी क्या तुमने अपनी एक्टिंग किसी गधे से सीखी है? विद्युत के मुंह से निकले ये लफ्ज यामिनी के गाल पर किसी तमाचे की तरह होते हैं। विद्युत की बात सुनकर यामिनी का चेहरा उतर जाता है। इतनी बेइज्जती तो उसने इससे पहले वाले एक्सीडेंट के टाइम पे भी महसूस नहीं की थी जितनी अब महसूस कर रही हो। अगर उसके माल फंक्शन की कहानी हर जगह फैल गई तो उसे एक डरपोक एक्टर मान लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर उसकी पब्लिक इमेज भी इस एक्सीडेंट की वजह से खराब हो सकती है। पर सुपरस्टार विद्युत की यामिनी के लिए की गई इंसल्ट उसके पूरे फिल्मी करियर को बर्बाद कर सकती है।
यामिनी को अपना फ्यूचर बिल्कुल काला नजर आने लगता है। विद्युत के बाद से पूरे सेट में सन्नाटा हो जाता है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर स्टेज सुपरवाइजर को डांटते हुए उससे कहते हैं, प्लीज आप सब परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, अगर आप लोग रेडी हो गए हो तो ये शॉट पूरा करें। डायरेक्टर के इतना कहते ही विद्युत अपनी गाड़ी के बगल से हटकर डायरेक्टर के पास जाता है और फिल्म के स्क्रिप्ट को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, आई एम सॉरी बट मेरे पास लिमिटेड टाइम है। विद्युत एक नजर अपनी घड़ी को देखकर फिर डायरेक्टर से कहता है, मुझे इस वक्त एक दूसरी जगह जाना है, आई टेक योर लीव देन। इतना कहते हुए विद्युत वहां से चला जाता है। उसे फिल्म छोड़कर जाते देख हर कोई सकते में आ जाता है। विद्युत को जाता देखकर डायरेक्टर घबरा जाता है। विद्युत के डर से वो उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा होता है। वो घबरा कर अमृत से पूछता है, अमृत क्या मिस्टर विद्युत कल फिल्म की शूटिंग में आएंगे? अमृत को समझ नहीं आता कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो विद्युत को अच्छे से जानता था। एक बार फिल्म छोड़ने के बाद वो कभी भी उसकी शूटिंग का हिस्सा नहीं बनता। फिल्म के डायरेक्टर के पास जाकर अमृत बड़े प्यार से उसे समझाता है, मिस्टर विद्युत अब आपकी फिल्म में काम नहीं करेंगे, आपको आपकी फीस बहुत जल्दी भिजवा दी जाएगी। अमृत की बातें सुनकर डायरेक्टर परेशान होकर उससे कहता है, पर हमने तो ऑलरेडी मिस्टर विद्युत के इस फिल्म में काम करने की खबर को काफी एडवर्टाइज कर दिया है। अमृत एक नजर यामिनी की तरफ देखकर वापस तन्वी को देखता है और फिर डायरेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि मिस्टर विद्युत के इस फिल्म में काम करने से ज्यादा पब्लिसिटी उनकी इस फिल्म को छोड़ने की खबर पर मिलेगी, खासकर तब जब इसकी वजह खुद फिल्म की लीड एक्ट्रेस हो? अमृत की बात सुनकर डायरेक्टर कुछ देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। आपका मतलब? डायरेक्टर अमृत से पूछते हुए रुक जाता है। अमृत हंसते हुए उससे कहता है, आज फिल्म के सेट पर एक विजिटिंग रिपोर्टर आई हुई है। अच्छा मैं चलता हूँ, मिस्टर विद्युत मेरा इंतजार कर रहे होंगे, टेक केयर। अमृत को जाते देखकर डायरेक्टर उसके लिए दिए सजेशन पर गौर करने लगते हैं। ये सच है कि इस खबर के मीडिया में आते ही उसकी फिल्म को काफी अटेंशन मिलने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये खबर यामिनी के फिल्मी करियर को पूरी तरह खत्म करके रख सकती थी। अपनी पहली फिल्म होने की वजह से फिल्म का डायरेक्टर इसे मीडिया अटेंशन दिलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। काफी देर सोचने के बाद डायरेक्टर प्रोडक्शन के मेंबर को बुलवाकर उससे पूछता है, मैंने सुना है आज सेट पर एक विजिटिंग रिपोर्टर आई है, कहाँ है वो? उस रिपोर्टर को फिल्म के क्रू को अच्छी लाइमलाइट मिलाकर मिस यामिनी के अनप्रोफेशनलिज्म रवैये को हाईलाइट करना है। यही बात डायरेक्टर को उस रिपोर्टर को समझाना बाकी है। डायरेक्टर की बात सुनकर स्टेज सुपरवाइजर उसे हैरानी से देखते हुए तन्वी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो रही वो। तन्वी को कैमरा उठाए देखकर डायरेक्टर पूरी बात समझ जाता है और गुस्से में स्टेज सुपरवाइजर को चिल्लाता हुआ कहता है, तुम लोगों को अक्ल है कि नहीं? अब क्या फिल्म एक्टर्स इस तरह से मीडिया वालों को परेशान करेंगे? जाओ तुरंत रिपोर्टर तन्वी को यहाँ लेकर आओ। उधर तन्वी अपने हाथों में भारी वीडियो कैमरा लिए विद्युत को जाते हुए देख रही होती है। क्या मिस्टर विद्युत को इतना गुस्सा मेरी वजह से आया? ये सोचते हुए तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसका मतलब वो इतने भी बुरे नहीं है जितने लगते हैं। तन्वी अपने ख्यालों में खोई हुई रहती है कि तभी वो स्टेज सुपरवाइजर को अपनी तरफ आते हुए देखती है। तन्वी के पास आकर सुपरवाइजर उससे बड़े प्यार से कहता है, अरे ये बहुत भारी है, प्लीज आप उसे नीचे रख दीजिए। डायरेक्टर और स्टेज सुपरवाइजर से मिलने के बाद तन्वी को दो जबरदस्त एक्सक्लूसिव खबर मिल चुकी होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो खुशी से उड़ने लगी है। फिल्म के सेट के बाहर निकलकर तन्वी रोड की तरफ जाती है। रोड के उस तरफ उसे एक गाड़ी पार्क की हुई दिखाई देती है। गाड़ी के बगल खड़ा होकर अमृत उसे अपनी तरफ आने का इशारा करता है। अमृत गाड़ी के बाहर खड़ा होता है तो वहीं विद्युत ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ होता है और अपनी खिड़की से तन्वी की तरफ देख रहा होता है। अमृत झुककर विद्युत से कहता है, आज मुझे समझ में आया कि आपको दुनिया के सारे रिपोर्टर से नफरत नहीं है। विद्युत अमृत को घूरते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इस बात को आप झुटला नहीं सकते, आपकी वजह से तन्वी को आज बड़ी न्यूज मिली। अमृत विद्युत से कहता है। विद्युत अमृत की तरफ ध्यान से देखता है। उसे कभी भी दूसरों को अपनी बातें समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि इस बार वो खुद श्योर नहीं है कि ये सब वो अमृत को समझा रहा है या फिर खुद को। मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, विद्युत अमृत से कहता है। अमृत मुस्कुराता हुआ उसके बात का जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, यूं तो यामिनी को परेशान करने के और भी कई रास्ते हैं, पर आपने इस फिल्म को छोड़ना सही समझा। क्या इसकी वजह है तन्वी? तन्वी का नाम सुनते ही विद्युत अमृत को गुस्से से देखता है। अपनी बात पूरी किए बिना ही अमृत विद्युत से कहता है, ओके आगे से मैं चुप रहूंगा। विद्युत से बात करने के बाद अमृत फिल्म सेट से बाहर आती तन्वी की तरफ देखता है और उसे फिर से अपनी तरफ आने का इशारा करता है और उसे हाई करता है। अमृत को देखते ही तन्वी की आंखें खुशी से चमक जाती है।
वो फौरन ट्रैफिक क्रॉस करते हुए अमृत के पास आने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में एक कार तन्वी के बगल से तेजी से गुजरती है, जिसे देखकर एक पल के लिए विद्युत तन्वी के लिए घबरा जाता है। तन्वी जल्दी से रोड क्रॉस करके अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए अमृत से मिलने उसके पास आती है। तन्वी बड़े प्यार से उससे कहती है, मिस्टर अमृत, मुझे नहीं पता था कि आपकी कार भी आपकी तरह ही इतनी डैशिंग है। अपनी तारीफ सुनकर अमृत अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, यूं तो मैं काफी हैंडसम हूँ, पर मिस्टर विद्युत के आगे मैं कुछ भी नहीं। तन्वी उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, यू डोंट वरी, मिस्टर विद्युत काफी रूड है, बॉयफ्रेंड के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट है। अमृत तिरछी आंखों से विद्युत की तरफ देखता है। विद्युत हमेशा की तरह बिना रिएक्ट किए उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। मुस्कुराते हुए अमृत गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तन्वी से कहता है, मिस तन्वी, आइए गाड़ी के अंदर बैठिए। गाड़ी में बैठते हुए तन्वी बड़े प्यार से अमृत से कहती है, आप मिस्टर विद्युत से कितने अलग है, यू आर सच अ जेंटलमैन, और दूसरी तरफ वो। इतना बोलते हुए तन्वी रुक जाती है। अपने बगल की सीट पर उसे विद्युत बैठा हुआ दिखाई देता है। विद्युत को देखकर तन्वी घबरा जाती है। उसके मन में आता है कि वो अभी इसी वक्त वहां से भाग जाए। वो उसकी गाड़ी से बाहर निकलने ही वाली होती है कि अमृत मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही अमृत गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, विद्युत गाड़ी को स्टार्ट करके तेजी से वहां से चला जाता है। अरे, मैं अभी तक गाड़ी में बैठा नहीं हूँ, अमृत तेज आवाज में विद्युत से कहता है, हालांकि उसे सुनने वाला उस वक्त वहां कोई नहीं था। मिस्टर विद्युत आखिर ऐसे क्यों है, अमृत मन ही मन सोचता है। उधर विद्युत के साथ कार में बैठी तन्वी को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। वो तिरछी नजरों से विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। तन्वी को गाड़ी के अंदर का सन्नाटा चुभने लगता है। तन्वी गहरी सांस लेते हुए विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, मैं एक्चुअली, मेरा मतलब वो नहीं था कि मिस्टर अमृत आपसे ज्यादा डैशिंग है। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आज के टाइम में जेंटलमैन काफी पॉपुलर है। तन्वी के बोलते ही गाड़ी का माहौल और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। तन्वी को एहसास होता है कि उसने वो सब कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए। तन्वी को एकदम से आज फिल्म सेट पे हुआ वाकया याद आ जाता है। वो विद्युत की तरफ देखकर उससे कहती है, आज आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू मिस्टर विद्युत। तन्वी की बात खत्म होते ही कार एकदम से रुक जाती है। ब्रेक लगाने के बाद विद्युत धीरे धीरे तन्वी के करीब झुकने लगता है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।